हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। देखिए, सेंसेक्स लगभग 60,000 में है और निफ्टी फिफ्टी 18,000 के आसपास घूम रहा है, और निफ्टी बैंक लगभग 38,000 में है, और एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज में गिरावट है, 1,000 रुपये के आसपास आया, अपने हाई से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। कारण ये है कि इसमें स्टेक सेल हुआ है और प्राइस नीचे की तरफ रखा गया, तो स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ है। आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, कहां तक जाता हुआ दिखेगा, उसकी बात करेंगे। और लास्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था बढ़िया आया था, लगभग 2,361 रुपये का रेवेन्यू था और नेट प्रॉफिट था 304 का। देखिए, एक तरह से मोनोपोली वाला स्टॉक है ये और एसबीआई ग्रुप का शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया है ही है, बट ये कि शॉर्ट टर्म में जिस तरह के मौके मिलते हैं तो एक तरह से इसको इस स्टॉक को देखना चाहिए। अगर कोई नए इन्वेस्टर्स हैं तो ये इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखना चाहिए। लगभग 15-20% का एक तरह से अप डाउन होता है, और एक डेढ़ महीने पहले एक वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश थी, जब ये 930-950 में था तो तेज़ी की संभावना हो सकती है। तो लगभग एक डेढ़ महीने के बाद ये 1100 के ऊपर तक गया था दोस्तों, तो जो स्टेक सेल सी ए रोवर के द्वारा, तो वो प्राइस नीचे की तरफ रखा गया था लगभग 1021-1072, तो इसमें गिरावट आई थी। अब स्टॉक नीचे की तरफ है, तो चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं कि पिछले एक डेढ़ महीने में किस तरह के कैंडल बने हैं, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करते हैं, कौन से लेवल से इसमें तेज़ी होगी उसकी बात करते हैं। और इस वक्त देखिए 1014 में है ये, अभी जो है इंडेक्स ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं, तो अच्छे जो स्टॉक्स अगर बाय भी करेंगे, अगर मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है तो जंप भी बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ करते हुए देख सकते हैं। अब एसबीआई कार्ड्स की बात करते हैं, एसबीआई में अकाउंट होगा जरूर, ये कार्ड होगा, ऑनलाइन परचेसिंग में ये जरूर यूज़ करते होंगे, तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, Q2 में अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। अगर जून के क्वार्टर के हिसाब से बढ़ के आता है, पिछले साल के अनुसार अगर बढ़ के आता है, पिछले सितंबर के क्वार्टर के अनुसार अगर बढ़ के आता है रेवेन्यू और प्रॉफिट, स्टॉक हमें बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ, जो जब ये लगभग 1100-1150 रुपये था तब ये बात चल रही थी कि ये लगभग 1300-1400-1500 तक जाता हुआ दिखेगा, ये समय लग सकता है दोस्तों। तो जिनके पोर्टफोलियो में है तो उनको तो एक तरह से देखिए अच्छा एक रिटर्न मिलेगा, जैसे कि ये लगभग जब आईपीओ आया था, लगभग साढ़े जब इसका आईपीओ आया था 750 में, गिर कर लगभग 450 तक आ गया था, और उस वक्त गिरावट भी थी मार्केट में और काफ़ी हाइप भी हुआ था इसका, बट ये है कि स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया था, अब धीरे धीरे एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आइए चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, ये कुछ फाइनेंशियल नंबर्स की बात थी, और मार्केट कैप की बात करते हैं तो लगभग 95,000 करोड़ और 1,00,000 करोड़ के आसपास का है, और एसबीआई ग्रुप का ये शेयर है, मोनोपोली वाला स्टॉक है एक तरह। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, और चार्ट पैटर्न के अनुसार अगर हम स्टॉक को देखते हैं, पिछले 4-5 महीने में इस तरह का हुआ है कि ये ऊपर की तरफ निकलता है 1100 के ऊपर। देखिए, मार्च के महीने में था ये ऊपर की तरफ था, फिर जून में, अभी ये देखिए ये भी सितंबर में ऊपर की तरफ था स्टार्टिंग में, फिर से एक तरह से नीचे की तरफ आ गया। तो देखिए, एक तरह से स्टेक सेल, आगे क्या होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कैंडल बना हुआ है बेरिश कैंडल बना है, ये 1049.95 रुपये में ओपन हुआ है, 1051.90 रुपये हाई है, 1007.35 रुपया लो है, और 1011.20 रुपये इसका क्लोजिंग है। तो 1000 का एक तरह से सपोर्ट है, इससे पहले भी देखिए ये लगभग 996 के आसपास से घुमा था, और ये सपोर्ट रहेगा 996 और 990 का। इसके नीचे अगर फिसलेगा तब इसमें गिरावट की संभावना रहेगी, और जिन्होंने यहाँ पे लिया है इसको तो होल्ड करना चाहिए। और स्टॉक देखिए, अगर ये 996 या फिर 1000 को होल्ड कर जाता है तो हमें जंप करता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ, लगभग जो इसका जो जैसे इस कैंडल का है 1051 के आसपास थोड़ा बहुत रुकता हुआ दिखेगा, बट सीधे से स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ ही निकलेगा, ये 1094 और 1100 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा बहुत हडल हो सकता है दोस्तों। अगर इसने 1000 को होल्ड कर गया तो हमें सीधे ऊपर की तरफ लगभग 1070 से 1090 की तरफ जाएगा, और जो तेज़ी इसमें रहेगी दोस्तों ऊपर की तरफ, मान के चलिए ये जो लाइन ड्रॉ किया है 1100 के ऊपर अगर निकलता है, इन मीन्स 1110-1115 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो सीधे से देखिए ये फिर 1130 और 1160 के आसपास जाता हुआ दिख सकता, तो एक ट्रेडिंग अच्छा बन सकता है। पिछले मार्च से तो इसी तरह का हो रहा है, इसमें देखिए मार्च के भी ये ऊपर की तरफ गया था, उसके बाद डाउनफॉल आया लगभग 900 और 920 के आसपास, फिर से तेज हुआ
और फिर से देखिए यहाँ पे एक तरह से ये कुछ समय बिताया इसने और फिर ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे अगर कुछ समय बिताएगा तभी ये ऊपर की तरफ जाएगा, अन्यथा ये अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करता है 1000 के नीचे अगर फिसलता है, ये 990 980 के आसपास अगर फिसलता है तब इसमें कमजोरी की संभावना रहेगी, और उसके बाद ये लगभग 950 और 960 तक आता हुआ दिख सकता है, बट यहाँ पे एक तरह से सीधे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो कहने का मीन्स ये है कि जिनके पास समय है होल्ड करना चाहिए, और हो सकता है कि अक्टूबर तक हमें ये ऊपर की तरफ दिखे, और अभी क्या है कि ये 1010 1014 के आसपास है, थोड़ा बहुत अगर गिरावट और होती है इसमें तो ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी, तो ये फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है, इसी तरह का आगे आने वाले दिनों में रहेगा। बट बड़ी तेज़ी दोस्तों अब इसमें जो आएगी ये 1107 और 1110 के ऊपर क्लोज होगा, तब हमें फिर ये लगभग 1140 से 1160 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है, और 1160 के ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा आने वाले दिनों में, Q2 का रिजल्ट बढ़िया आता है और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही रहता है, तो डेफिनेटली फिर ये और तेज होता हुआ दिखेगा। जैसे कि कुछ महीने पहले हम लोगों को जो इसके टारगेट्स दिखाई दे रहे थे लगभग 1200-1300 इस तरह का आने वाले समय में रहेगा। ये एक तरह से ट्रेडिंग के लिए है, बट ये है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए है उनको होल्ड करना चाहिए। ये जो प्रेजेंट टाइप का चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार है, और दूसरा इंडिकेटर अगर हम देखें RSI वो क्या दिखा रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए ये एक तरह से ऊपर की तरफ लगभग 77 ओवरबॉट हो गया था मतलब 1160 में, और एक तरह से देखिए मुनाफा वसूली भी की है लोगों ने जिन्होंने अगर लोअर लेवल पे ख़रीदा होगा यहाँ पे 950-900 के आसपास से, और स्टॉक देखिए अब ये थोड़ा बहुत अगर गिरेगा यहाँ पे एलिमेंट्स नीचे की तरफ अगर आता है, ये जैसे कि अब RSI है 35 और थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आए तो बाउंस बैक भी बहुत तेज़ी से करता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो अक्टूबर के महीने में स्टॉक देखिएगा हमें ऊपर की तरफ दिख सकता है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम का जो चार्ट पैटर्न है उसके अनुसार इसका एनालिसिस और विश्लेषण है, और कुछ फाइनेंशियल पॉइंट्स की बात थी। यूट्यूब चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।